हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं टॉपिक दैट के क्लाउड्स जो है वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं। तो इसके पहले हमने स्कैटरिंग का फिनोमिनॉन देखा था कि स्कैटरिंग के फिनोमिनॉन के वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू स्काई के अंदर ये वाइट क्लाउड्स कहाँ से आए और ये हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका मेन रीज़न है कि एटमॉस्फेयर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन साथ में कुछ बड़े डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। इस डिफरेंस के वजह से जब सन लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये मॉलिक्यूल्स के पास वो कैपेसिटी है कि ये सभी के सभी वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो वो सभी वेवलेंथ को, विजिबल लाइट के सभी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जिस वजह से हमें जो वो पर्टिकुलर पोर्शन है वो वाइट दिखाई देता है। सो क्लाउड ड्रॉपलेट स्कैटर ऑल वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, क्रिएटिंग द अपियरेंस ऑफ वाइट क्लाउड्स, एंड दिस इज द रीजन वाई क्लाउड्स आर अपियरिंग वाइट। थैंक यू।